आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय विदर्भ का सबसे बड़ा फर्नीचर मॉल MR फर्नीचर मॉल। यहां होम, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी प्रकार की दुकान के कस्टमाइज फर्नीचर MR फर्नीचर मॉल में बना कर दिए जाते हैं। पता MIDC नंबर 4, प्लॉट नंबर 76, कुम्भारी रोड, अकोला। बालापुर बातूर मार्ग दुर्घटना को न्योता देने वाला साबित हो रहा है। इस मार्ग पर दो ट्रकों की भिड़ंत में एक ट्रक चालक की ट्रक के कैबिन में ही मौत हो गई तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर होते ही दोनों ट्रक पलटी हो गए। ये दुर्घटना खामखेर मोड़ के पास रविवार 9 जुलाई को शाम 5 बजे घटी। अकोला से अकोट की ओर जाने वाले गांधीग्राम में करोड़ों की लागत से अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है, लेकिन पुल की ऊंचाई इतनी कम थी कि पहली बारिश में ये पुल डूब गया, जिससे अकोट से अकोला आवागमन करने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों की फेरियां बनाने की मांग की जा रही है। डॉक्टर चव्हाण होम्योपैथी द्वारा होम्योपैथी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए डॉक्टर योगिता चव्हाण को सद्गुरु इंटरप्राइजेस मुंबई की ओर से प्रमिलताई ओक हॉल में अभिनेत्री स्प्रिहा जोशी द्वारा आइडियल ऑफ विदर्भ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समारोह में विविध क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। रामचरितमानस हमें सिखाती है कि अहंकार रहित होना ही मानवता है। रामचरितमानस वर्तमान जीवन के लिए ही पूरी तरह से प्रासंगिक है। यह विचार महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के कार्याध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद दुबे ने साहित्य अकादमी द्वारा स्थानीय RLT विज्ञान महाविद्यालय के सभागृह में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रकट किए। सहकार आयुक्त व निबंधक सहकार संस्था पुणे के अधीनस्थ संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार के साथ साथ सभी संभागीय सहकार समिति कार्यालयों में विभिन्न पदों के लिए सीधी सेवा परीक्षा की घोषणा की गई है। अधिक जानकारी सहकार आयुक्त पुणे के कार्यालय की वेबसाइट www.sahakaryukta.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध है। को पावर बाय अनवी इंटरप्राइजेस, बच्चों के लिए बैटरी बाइक, कार, झूला, ट्राइसिकल, वॉकर, न्यू बॉर्न एसेसरीज, स्पोर्ट्स आइटम और सभी प्रकार के खिलौने एक से बढ़कर एक, वह भी कम दाम में। बच्चों को खुशियां बांटने वाला शोरूम, पता अकोला का मेन मार्केट अलंकार मार्केट तिलक रोड अकोला। जिले में जल्द ही पौधारोपण शुरू होने वाला है। इस मानसून के दौरान जिला परिषद के माध्यम से जिले की 535 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में 5,35,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन सामाजिक वनीकरण विभाग से आवश्यक पौधों में से मात्र 1,40,000 पौधे ही उपलब्ध हो पाने से इस वर्ष जिले की ग्राम पंचायतों का वृक्षारोपण का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, ये सोचने का विषय बन गया है। जनता भाजी बाजार में जगह जगह कचरे के अंबार लगा हुआ है, वहीं गंदा पानी परिसर में फैला हुआ है। बारिश की वजह से यहां और बुरा हाल हो गया है, जिससे सब्जी विक्रेताओं के साथ ही बाजार में आने वाले नागरिकों को भारी असुविधा हो रही है। अकोला मनपा के आरोग्य अधिकारी इस और विशेष ध्यान दें। पातूर तहसील सहित आसपास में आने वाले गांवों में आए दिन खस्ताहाल बसें यात्रियों की सेवा के लिए छोड़ी जा रही है, जो दुर्घटना के लिए न्योता देती दिखाई दे रही। रापनी के वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी के कारण ऐसी बसें यात्रियों के लिए सिरदर्द बन गई है। संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे और उचित कार्यवाही करे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। इसके प्रकाशन की तैयारी चल रही है। NEP 2020 घोषित होने की तीसरी वर्षगांठ 29 जुलाई या उससे पहले NCF सामने आ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए अर्हता प्राप्त ग्राम पंचायतों का हाल ही में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया गया है। राज्य स्तरीय टीम ने अकोला जिले के 7 तालुका के 15 गांवों का निरीक्षण किया। को स्पॉन्सर सारदा करियर पॉइंट स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र LRT कॉलेज के पास अकोला। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।